स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात दुर्ग की। मरीज की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। बता दें आपको, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। भिलाई के श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की घटना है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मरीज की मौत के बाद हंगामा हम देख रहे हैं तस्वीरों में, आखिर क्या लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं परिजन? देखिए, पूरा मामला श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर एक मरीज को भर्ती कराया गया था। उसको हार्ट की बीमारी थी, पेसमेकर से संबंधित उसका इलाज किया जाना था, ऑपरेशन किया जाना था। लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि उनको बगैर बताए उनको ऑपरेशन कर दिया गया और उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई और उसके बाद में मौत हो गई। जब मौत हो गई तो उनको जानकारी दी गई, तो इस तरह से इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। सीधे सीधे प्रबंधन पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने ये लापरवाही की है, इस वजह से उनकी जान चली गई है। क्योंकि लापरवाही नहीं होती तो उनको जानकारी दिया जाता, उनको विश्वास में लिया जाता है। कभी भी कोई भी ऑपरेशन किया जाता है उसके पहले परिजनों से साइन भी करवाया जाता है, तो उनको साइन भी नहीं करवाया गया, उनको जानकारी भी नहीं दी गई और उसके बाद में मौत हो गई। वहीं प्रबंधन का यह कहना है कि जब इमरजेंसी आती है तो कोई जरूरी नहीं होता है कि परिजनों को बताया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता होती है मरीज को बचाने की, वो उनके द्वारा वो किया गया है। तो पूरे मामले में अभी जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, परिजन ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और उचित कार्रवाई भी की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब बात गरियाबंद की। 3 करोड़ के गबन में गिरफ्तारी हुई है। बीएमओ ऑफिस का पूर्व लिपिक गिरफ्तार हुआ है। बता दें 11 अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। फर्जी वेतन स्लिप लगाकर गबन का आरोप इन पर लगा है। 3 साल में 3 करोड़ के गबन का आरोप लगाया जा रहा है। बीएमओ ऑफिस का पूर्व लिपिक गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 अधिकारी कर्मचारी पर मामला भी दर्ज हुआ है। तो 3 करोड़ के अंतर्गत बीएमओ कार्यालय में बीएमओ के द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए 3 करोड़ की राशि के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें जांच रिपोर्ट में पुलिस कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया था, जिसके तहत बीएमओ उनके ऑफिस के बाबू और ट्रेजरी के कुछ ऑफिस के बाबुओं के द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए 3 करोड़ की राशि का गबन करना सही पाया गया, जिसके तहत 420 का मामला थाना मैनपुर में दर्ज किया गया है। और इस मामले में अभी 10 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, 3 करोड़ के गबन में गिरफ्तारी हुई है। बीएमओ ऑफिस का पूर्व लिपिक भी गिरफ्तार हुआ है। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, एफआईआर भी हुई है। क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। ऋतु, देखिए, पूरा मामला मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 3 करोड़ से भी ज्यादा राशि का गबन के मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में अब जो है पूर्व लिपिक वीरेंद्र भंडारी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये पूरा मामला 2016 से 2019 तक का है, जहाँ 4 सालों बाद ये खुलासा हुआ है कि इस दौरान जो है एरियास और बोनस का फर्जी बिल वाउचर बनाकर कोषालय के अधिकारियों के साठगांठ से पूरे राशि को गबन किया गया है फर्जी बिल लगाकर। इस पूरे मामले में केकी नेगी जो पूर्व बीएमओ है उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही जिला पूर्व के जिला कोषालय के अधिकारी के ऊपर ये पूरा मामला दर्ज है। इसी के साथ 11 लोगों पर अभी कार्यवाही की तलवार लटक रही है। इनकी गिरफ्तारी की भी कार्यवाही भी जारी है। फिलहाल इसमें से 3 जो आरोपी हैं उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें से एक की सुनवाई हुई तो खारिज भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है अब ये पुलिस के गिरफ्त में आ सकते हैं। और इस बड़े खुलासे के बाद अब बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और पूर्व लिपिक वीरेंद्र भंडारी की गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी अभी होना बाकी है। और इस खुलासे से कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आता है कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग में मैनपुर में इस पूरे तरह से गबन के कारनामे को अंजाम दिया जा रहा था। 4 साल लगे इस पूरे मामले को खुलासे को लेकर, अब जो है गिरफ्तारी होना शुरू हो चुका है और बाकी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी जल्द होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शेख इमरान।
जशपुर का जिक्र करेंगे। लड़की से रेप का आरोप है। आरोपी ने होटल में वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ भी इस मामले में जारी है। बता दें, रॉन्ग नंबर से दोस्ती के बाद लड़की से रेप किया गया और अब इस मामले में संज्ञान लिया गया और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ पूछताछ भी इस पूरे ही मामले में हो रही है। युवती ने मामला दर्ज कराया, आरोप लगाए, रेप के आरोप लगाए और उसके बाद गिरफ्तारी इस आरोपी की हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है मामला, बताइए। जी, मैं आपको बताऊं, ये पूरा मामला जो है सिटी कोतवाली क्षेत्र का है और सिटी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती है जो अपने घर में थी और इसी दौरान जो है इसका वो एक परिचित जो युवक है वो उस युवती को बाजापुर से लाकर शहर के एक होटल में ले गया जहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। और जब काफी देर तक जो पीड़िता है वो घर नहीं पहुंची और उसके बाद जब उसके परिजन खोजते हुए उसके वहां तक पहुंचे और उसके बाद जब पीड़िता ने अपने साथ आप बीती बताई उसके बाद पुलिस ने जो है आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। खबर जशपुर से है जहां केरल से घर लौट रही युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के साथ ही युवती के साथ मारपीट की गई। पीड़िता के प्रेमी सहित 6 आरोपियों ने उसका वीडियो बनाया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी जानकारी दे दें कि आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल हैं। रात में दुलदुला थाने में एक महिला के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसका सो कॉल्ड प्रेमी और उसके 5 अन्य साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया गया और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना के बाद तत्काल FIR लिया गया और एक स्पेशल टीम बनाई गई और रात में 2 घंटे के भीतर सारे आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इसमें 3 नाबालिग अपचारी बालक हैं और 3 आरोपी बालिग हैं। रायपुर बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट का यह पूरा मामला है। घायलों से मिले हैं मंत्री लखन लाल देवांगन। बता दें, हाल जानने के लिए पहुंचे मंत्री। घायल मनोहर यादव का हालचाल जाना, उनसे मिले और हर संभव मदद का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। ये तस्वीर रायपुर की आप देख रहे हैं। घायलों से मिलने के लिए मंत्री लखन लाल देवांगन अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल भी जाना। और अब बात बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट के, जिसकी जांच SDM करेंगे। ये जांच 4 बिंदुओं पर होगी। 45 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। बेमेतरा कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। 8 लोग इसमें मलबे में दब गए थे जिनको निकाला नहीं जा सका और प्रशासन ने इन्हें मृत मानते हुए इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी मात्रा में IED भी बरामद हुए। पकड़े गए 15 नक्सलियों में से 7 महिला नक्सली हैं। गिरफ्तार नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। DRG टीम को देकर पूर्व से घात लगाए व जान से मारने की नीयत से तथा हथियार लूटने की नीयत से नक्सलियों के द्वारा ID ब्लास्ट किया गया और जंगल की ओर भागने लगे, जिस पर DRG व बस्तर फाइटर द्वारा घेराबंदी कर कुल 15 माओवादी सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। उक्त माओवादियों के कब्जे से डेटोनेटर, ID, जिलेटिन साहित, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया गया है। और सुकमा में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां जवानों ने एक हार्डकोर नक्सली समेत 3 नक्सलियों को अरेस्ट किया। साथ ही इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की। जिले के गोलापल्ली इलाके में ये नक्सली एक्टिव थे।
दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दंतेवाड़ा के गिरसापारा की दूरस्थ पहाड़ियों से 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सल मुक्त बस्तर की दिशा में ये एक और कदम है। नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, जो उसके खात्मे तक जारी रहेगी। तो वहीं अब बात करते हैं गर्मी की, भीषण गर्मी की। दुर्ग में गर्मी से महिला मजदूर की मौत हो गई। गर्मी से 60 साल की महिला की मौत हो गई। दरअसल मनरेगा में महिला दोपहर में काम कर रही थी, अचानक से चक्कर आए और चक्कर आने के बाद मौत हो गई। नंदनी थाना क्षेत्र के अहेरी गांव की घटना है। 60 साल की महिला है जो काम करते करते अचानक से गिर गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं रायपुर में घर का एसी फट गया। तेज आवाज के साथ ही एसी फटा। राजीव नगर की यह घटना है जहां पर तेज गर्मी की वजह से एसी फट गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दरअसल ये एसी फटा, उसके बाद भीषण आग लग गई और देखते देखते आग फैलती चली गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस भीषण गर्मी में ये चौंकाती है ये खबर कि कैसे यहाँ पर लोग ठंडी हवा खाने के लिए, खुद को आराम देने के लिए एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर एसी इस तरह से फट जाए तो फिर क्या ही होगा। मुंगेली में गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है। यहां आज 47.3 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से लोगों को मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं गर्मी में बिजली की आंख मिचौली ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो वहीं बिलासपुर में भी नौतपे की गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर का तापमान 43 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। बड़े हों या बच्चे, सभी गर्मी में डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों ने विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है। जो हमारे अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी अस्पताल हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है कि मौसमी गर्मी के कारण जो मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, हीट वेव हो सकती है और हीट एग्जॉशन होता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो अभी इनका स्कूल की छुट्टी चल रही है और गर्मी का समय है, तो ये छुट्टी के समय में बच्चे खेलने जा रहे हैं और काफ़ी लेट तक खेलते रहते हैं, 9 बजे 10 बजे तक। आपने नोटिस किया होगा सुबह 7 बजे से काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है, तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी देर तक गर्म तेज़ धूप में खेलते रहते हैं, और इन लोगों को जब घर आते हैं तो चूंकि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन से ग्रसित होते हैं, ऐसे बच्चे सुस्त हो जाते हैं घर आने के बाद, और इन लोगों की इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से कमजोरी, हाथ पैर में दर्द या कभी कभी मसल में क्रैम्प तक आने लग जाते हैं।